दोस्तों आप देख रहे हैं लालटेन भोजपुरी और आप लोगों का एक बार फिर से लालटेन भोजपुरी चैनल पर स्वागत है। बधाई हो आप लोगों को। खेसारी लाल यादव से जुड़ा हुआ एक और विवाद आप लोगों के बीच में आ चुका है और काजल अगवानी अपने फुल फॉर्म में है। खेसारी लाल यादव को बदनाम करने के पीछे वो अब वो हर वो चीज़ें करेंगी जो उनके साथ कभी खेसारी लाल यादव किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, जैसा कि एक समय में अक्षर सिंह पवन सिंह के लिए किया करती थी। तो आप लोग तैयार ही इस चीज़ के लिए और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जवाब देंगे। कोशिश करेंगे कि उनकी जो गलत चीज़ें हैं उनका विरोध किया जाए। कल काजल अगवानी लाइव आती हैं और बोलती हैं कि खेसारी लाल यादव ने काजल अगवानी का करियर नहीं बनाया है। बिल्कुल सही बात है, खेसारी लाल यादव ने काजल अगवानी का करियर नहीं बनाया है, लेकिन 2018 में काजल अगवानी को क्या ज़रूरत पड़ी थी खेसारी लाल यादव के नाम को यूज़ करके छठ जैसे महापर्व का एकदम जो थीम सॉन्ग है छठ का वो गाना गाने का, पेनिना खेसारी जी पियरिया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमारे आस्था को जोड़ा जाता है, हमारा आस्था है छठ महापर्व, और वहाँ पे बलम जी से कंपैरिजन काजल अगवानी ने अपने गाने में खेसारी लाल यादव को कर दिया था और खेसारी लाल यादव के नाम को यूज करके गाना गाया था। ये तो वही बात हो गई कि मेरा चैनल खेसारी लाल यादव ने नहीं बनाया है, लेकिन मेरा चैनल खेसारी लाल यादव के नाम पर ही चलता है। तो ये सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं और बिना मतलब का कैसे काजल अगवानी पब्लिसिटी स्टंट आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि अभी के समय में उनका कुछ चल नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ चलाने के लिए कुछ ना कुछ उड़े सुरे बोलना पड़ेगा। तो बोलते रहिए, आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो में। काजल अगवानी का ये सीरीज चलेगा, वो जो जो बोलेंगी कुछ कुछ टॉपिक पर हम लोग भी बोलेंगे और आप लोग सपोर्ट करिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो में। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भोजपुरी।